OI and volume. अगर OI ज्यादा हुआ, let's suppose OI high है buy side पर, क्योंकि OI दोनों का होगा, buy का भी होगा. OI का मतलब है number of people into the system. ये है सिंपल, इसको मैं ऐसा बता देता हूँ. मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग में इस टाइप के 10 लोग इंटर किए हैं, ठीक है, 10 लोग इंटर किए हैं बिल्डिंग के अंदर. तो अभी OI कितना है, यानी बिल्डिंग के अंदर ये 10 लोग है, ठीक है, 10 में से 5 लोग बाहर हो गए, तो ये 5 लोग OI चेंज का है. इसको क्या बोलूंगा मैं, OI का चेंज. लेकिन जो अंदर 5 लोग है वो अभी क्या है, OI भी बता रहे हैं वो, और वो वॉल्यूम भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम अंदर है ना, ठीक है. अब धीरे से अगर इसके अंदर और 10 लोग ऐड कर दिए मैंने, तो OI बढ़ेगा बट वॉल्यूम घटेगा. क्यों, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब ये 5 लोग बाहर हो जाएंगे तब वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये 10 लोग फिर वापस बाहर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. अभी OI बढ़ रहा है, यानी सिस्टम में इन बढ़ रहा है, ये इन है सिस्टम के अंदर, दे एंटर्ड, बट वो एग्जिट किए क्या, नहीं एग्जिट किए. यही सिंपल पड़ता है. सिंपल ओपन इंटरेस्ट का मतलब है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू, ये OI का फंडा है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू द सिस्टम नॉट येट क्लोज्ड, जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं. ये वो सौदे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है. आप एक लॉट निफ्टी का खरीदते हो, कितने का पड़ता है, कितनी क्वांटिटी खरीदते हो, 50 ना, तो ये 50-50 मिलके एक OI बना रहा है, ये एक OI है, एक लॉट बोले तो एक OI, और ऐसे कई लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं. तो आपने मान लो कि बाय किया, तो आपने OI क्रिएट किया है ना, अब आपने एक की जगह आपने खरीदा 10 लॉट, तो 10 लॉट का OI क्रिएट किया, आपने बेचे 5 ही, तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा. सिंपल सा पॉइंट है भाई, आपने 10 लॉट खरीदे, 10 में से 5 लॉट ही बेचे, तो वॉल्यूम भाई आपने OI को बढ़ा दिया, OI तो 10 का अकाउंट होगा ना, बट वॉल्यूम किसका अकाउंट होगा, 5 का, क्योंकि वॉल्यूम का जस्ट सिंपल मतलब है ट्रेडेड क्वांटिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम, जो ट्रेड हो चुकी. सिस्टम में नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम में जो होता है आउटस्टैंडिंग वो कहलाता है OI, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है. तो 5 जो ट्रेड हो चुकी वो वॉल्यूम है, और अगर जो 5 बचे हुए और अगर ट्रेड हो जाएंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा है ना, और OI क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों ने बेच बाज कर बाहर होगा. आउटस्टैंडिंग बचा क्या सिस्टम में, सिस्टम में आउटस्टैंडिंग नहीं होगा तो OI कहलाएगा क्या, नहीं. फिर उस कंडीशन में OI नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और फिर वहां पे आ जाएगा क्या, वीकनेस, यानी लॉन्ग बिल्डअप के साथ में शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो OI बढ़ जाएगा सेल का, और फिर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम उसमें कम रहेगा, बाय का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सेल का OI सेल का वॉल्यूम कम होगा अभी. क्यों, क्योंकि लोग निकलेंगे नहीं उसमें से, निकलेंगे जब वॉल्यूम वो भी खत्म होता है. दैट इज अ सिंपल फंडा ऑफ OI.